उधम सिंह नगर में नागरिक अभिनंदन समारोह में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में ये समारोह हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे। मुख्यमंत्री का देखिए कार्यक्रम में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं उधम सिंह नगर में नागरिक अभिनंदन समारोह में। मुख्यमंत्री का पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। तो इंदिरा गांधी खेल मैदान किच्छा में ये समारोह हो रहा है। उधम सिंह नगर में नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री का जोरदार स्वागत कार्यक्रम में पहुंचने पर हुआ है। बड़ी संख्या में लोग कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए गए। मुख्यमंत्री पहुंचे, मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। मोमेंटो भेंट कर मुख्यमंत्री का स्वागत उधम सिंह नगर में किया गया। मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनवाते हैं। मंडी परिषद के चेयरमैन आनंद डॉक्टर अनिल डब्बू जी, सरदार राजपाल सिंह जी, श्री खतीब अहमद जी, मुकेश कुमार जी अनुसूचित जाति आयोग, विकास शर्मा जी प्रदेश मंत्री, ममता जल्होत्रा जी ब्लॉक प्रमुख, विपिन जल्होत्रा जी, श्री राजेश कुमार जी, जिन्होंने बहुत सक्रियता से राजबागपुर क्षेत्र में अनेक अनेक काम आगे बढ़ा रहे, लोगों के लिए संघर्ष करते हैं। सक्सेना जी पूर्व जिला अध्यक्ष पुष्कर काला जी, हमारे प्रभारी श्री कमलेंद्र श्रीवाल जी, श्री मूलचंद राठौर जी, श्रीमती हरविंदर कौर जी एवं मंच पर आसीन धर्मा जायसवाल जी समेत सभी हमारे पदाधिकारीगण, सभी वरिष्ठ नेतागण और इस अभिनंदन विशाल संख्या में आए हुए सब मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें, सभी मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, मीडिया के हमारे सभी मित्र, सच में आज आपने मेरा और मेरे साथ आए हुए सबका अभिनंदन करने के लिए आप इतनी बड़ी संख्या में एकत्र हुए हैं, लेकिन मैं आपकी इतनी विशाल संख्या देखकर आप सबका दोनों हाथ जोड़कर सर झुकाकर आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। और इस समारोह में सच में मैं 2021 में यहां पर आया था और अक्टूबर 2021 को मुझे याद है, तब भी आप सब विशाल संख्या में आए थे, लेकिन मैं आज देख रहा हूं जितनी यहाँ पर कार्यक्रम संयोजकों ने कुर्सियां लगाई हैं, उससे दुगने लोग इस कार्यक्रम के आसपास हैं। बाहर अन्य स्थानों पर और इतनी बड़ी धूप, इतनी भीषण गर्मी हो रही है, मैं देख रहा हूँ हमारी मातृशक्ति आगे, सच में आपको देखकर मुझे कष्ट भी हो रहा है कि आप लोग धूप में बैठे हैं। मैं यही कह रहा था धूप में बैठे हो, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ, आपके आपके प्रेम को और इतना प्रेम अपनापन और मान सम्मान देने के लिए मैं अपने सभी बुजुर्गों का, माताओं बहनों का, सभी नौजवान साथियों का, हमारे मीडिया के बंधुओं का भी दिल से आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ कि गर्मी में भी आप गर्मी का एहसास नहीं होने दे रहे किसी को। आप सभी के लिए और मेरे लिए विशेष कर से और हमारे जो युवा साथी हैं, मैं उनके नारेबाजी देख रहा हूँ, मुझे भी चुप करवाना पड़ रहा है। अपनी भर्ती जब भाषण दे रहे थे तो मुझे लगा कि उनको मुझे अभी, मैंने आपका नाम इसलिए दे दिया कि आप मुझे भी रोक दो। तो जब आदरणीय भर्ती जब भाषण दे रहे थे तो हमारे युवा साथियों का जोश और उत्साह देखकर सच में मुझे बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आप सबका इतना जोश, इतनी ऊर्जा आपके अंदर है और आज सबके चेहरे पर जो खुशी की झलक है उसे देखकर मैं समझ सकता हूं कि वास्तव में इच्छा में ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, ऐतिहासिक काम हो रहे हैं।
शोभा जी ने बहुत विस्तार से बताया है, यहाँ पर एम्स खुल गया और 2025 में एम्स चालू होने वाला है, यहाँ मॉडल कॉलेज बन गया, हाईटेक बस अड्डा बन गया, हमारे जो नगला वाले लोग थे उनको बचाने के लिए आपने संघर्ष किया, आगे आए और उसका भी रास्ता निकल गया। और अभी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जून को मिला, 25 जून को मुझे ध्यान है, और उस समय ये सारे जो 12 पार्क जो औद्योगिक स्मार्ट सिटी देश के अंदर 12 बनने थे, तो मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध किया। वैसे पहले से भी हमारा एक प्लान चल रहा था, क्योंकि जमीन इत्यादि हम पहले से इसके लिए डिसाइड कर चुके थे कि पहली खेप में हमारे उत्तराखंड को जो है स्मार्ट सिटी औद्योगिक शहर एक आप दे दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा करी, मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और सच में आपने मेरा यहाँ पर पगड़ी पहनाकर, यहाँ पर मेरे को साल उड़ाकर, तमाम प्रकार के स्मृति चिन्ह देकर जो मेरा अभिनंदन किया, मेरा स्वागत किया, सब में इस अभिनंदन के हकदार हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी हैं, जिन्होंने उत्तराखंड को एक और इतना ही नहीं किच्छा के आसपास तमाम तरीके से आप ही के पंतनगर में अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है, आप सबको पता है? पता है। किस किस को पता है? पता है। ये बहुत लोगों को पता है। तो हमारे यहाँ पर ही अभी यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर की दूरी होगी, कितना 10 किलोमीटर होगा, यहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनने वाला है। और उस हवाई अड्डे के बनने से शुक्ला जी तो बहुत पहले से, जब पहली बार विधायक के रूप में गए थे तब से लगातार यहाँ प्रयास कर रहे हैं, हमारे शिव अरोड़ा जी कर रहे हैं, और आदरणीय भट्ट जी तो भारत सरकार की सारी मीटिंगों में इसकी बात करते हैं। अभी नई हमारी मोनिका जी यहाँ आई, मोनिका ही नाम है,